राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्या होंदे हो, क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है, अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। आज 5 अरे सुनो तो एकदम तुम ही, हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है, सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना ये रणनीति हम तय करेंगे। वोट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। Zee News.